दिल्ली के जाट समुदाय के लोकप्रिय नेता राघवेंद्र शौकीन को मुख्यमंत्री आतिशी की कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम पर मोहर लगाई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने बताया है कि राघवेंद्र शौकीन नांगलोई जाट से दूसरी बार विधायक हैं और इससे पहले दो बार पार्षद रह चुके हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे नेताओं की पार्टी है और राघवेंद्र शौकीन जो सिविल इंजीनियर है इस परम्परा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अरविंद जी, मनीष जी और पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा सभी समाज, चाहे वो जाट हो चाहे हर समाज को साथ लेते हुए चली है और बीजेपी ने हमेशा जाटों के विरुद्ध काम किया है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो पहलवानों का इशू हो, चाहे वो हरियाणा में इलेक्शन हो। अगर आप हरियाणा का इलेक्शन देखेंगे, उन्होंने उस इलेक्शन को जाट बनाम अदर्स बनाकर वो इलेक्शन जीतने का, एक हमारे समाज को बांटने का काम किया है, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता था, इन्होंने जाट नॉन जाट करके हरियाणा को बांटने का काम किया। हम आम आदमी पार्टी सबको साथ लेकर और अपने पूरे दिल्ली प्रदेश का बेहतर विकास करने के लिए जो सर ने मुझे मौका दिया है, मैं उनका हृदय की गहराई से और नांगलोई की जनता सारी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे आप सबके साथ ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली को एक नए कैबिनेट मंत्री मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि श्री राघवेंद्र शौकीन जी जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं वो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री आतिशी जी की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। राघवेंद्र शौकीन जी आप सब जानते हैं, जाट समुदाय के एक लोकप्रिय नेता हैं और साथ साथ इनका काम एजुकेशन पर भी बहुत रहा है। ये जैसा आम आदमी पार्टी में हमेशा लोग कहते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी खुद पढ़े लिखे हैं, उनकी टीम पढ़ी लिखी है, ये राघवेंद्र शौकीन जी भी खुद सिविल इंजीनियर रहे हैं, दो बार नांगलोई जाट से एमएलए रहे हैं, साथ साथ उसके पहले दो बार काउंसलर भी रहे हैं और दिल्ली सरकार में अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ों में सहयोग देते रहे हैं, बहुत सक्रिय राजनीति करते रहे हैं दिल्ली देहात में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राघवेंद्र शौकीन जी दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे और जो भी इनको काम मिलेंगे वो करेंगे और साथ साथ जो एक दिल्ली देहात के अलग पूरे क्षेत्र को जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ये बहुत सक्रिय रहे हैं, वहाँ भी ये वहाँ के लोगों की एक आवाज़ बन के उभरेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।